वेलकम टू ब्लूमिंग रोज एकेडमी। हेलो स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टडी इन क्लास फिफ्थ हिंदी फर्स्ट। आप फर्स्ट चैप्टर में कविता पढ़े हैं, बार बार बादल आते हैं, उसका अभ्यास आज हम आपको करवाएंगे। अभ्यास है बोलकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर आपको कैसे देना है, बोलकर देना है। इस कविता में किसका वर्णन है, बादल के साथ कौन आता है, बादल किसकी प्यास बुझाते हैं, बादल के आने से पेड़ कैसे हो जाते हैं, इसका उत्तर हम कॉपी में राइट किए हैं। देखिए यहाँ पे, इस कविता में बादल का वर्णन किया गया है। बादल के साथ कौन आता है, तो बादल के साथ बिजली आती है। बादल किसकी प्यास बुझाते हैं, बादल धरती की प्यास बुझाते हैं। बादल के आने से पेड़ कैसे हो जाते हैं, बादल के आने से पेड़ हरे हो जाते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रत्येक प्रश्नों के चार विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनें। क, उजले पंख लगाकर कौन उड़ जाते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है बगुले, चिड़िया, हंस, बादल। तो हम बादल पे ट्रिक करेंगे, उजले पंख लगाकर कौन उड़ जाता है, बादल। बादल के साथ कौन आती हैं, तितली, जुगनू, बिजली, मेढक। तो कौन आता है, बिजली, बिजली पे हम ट्रिक करेंगे। जंगल पेड़ हरे कैसे हो जाते हैं, हरे रंग से, खाद डालने से, बरसात के पानी से, बिजली की चमक से। तो बरसात के पानी से पेड़ हरे हो जाते हैं, तो यहाँ पे बरसात के पानी पे ट्रिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसका भी हम कॉपी में राइट किए हैं, देखिए आप भी अपने हिंदी की कॉपी में राइट करिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बादल पंख कैसे लगाते हैं, बादल उजले उजले पंख लगाते हैं। बूंदे धरती की प्यास कैसे बुझाती हैं, रिमझिम रिमझिम बूंदे धरती की प्यास बुझाती हैं। बादल के आने से क्या क्या परिवर्तन आ जाते हैं, तो बादल के आने से परिवर्तन यह होता है कि जंगल में पेड़ हरे हो जाते हैं, ताल तलैया भी भर जाते हैं और हम सबको भी बहुत खुशी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बादल गुब्बारे से कैसे उड़ते जाते हैं, तो आसमान में बादल गुब्बारे जैसे दौड़ लगाकर उड़ जाते हैं। ये अपने हिंदी की कॉपी में क्वेश्चन आंसर सब राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है कौन कैसा। यहाँ पे देखिए कौन कैसा, यहाँ पे लिखा है हाथी सा मोटा, तो अब आपको लिखना है शेर सा क्या होगा, बलवान। चांद सा चमकीला, सूरज सा गर्म। हम यहाँ पे राइट करेंगे कुत्ता सा वफादार होगा, किसकी क्या विशेषता आपको बताना है, लोमड़ी सी चालाक। यहाँ पे आप अपने बुक में राइट कर लीजिएगा, ये आपका आज का होमवर्क है। आप ये बुक वर्क कर लीजिएगा और क्वेश्चन आंसर अपने हिंदी की कॉपी में राइट कर लीजिएगा और फोटो क्लिक करके सेंड करिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको भाषा को जाने बताएंगे। थैंक यू।